नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल गोपन जी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मा सेक्टर और फार्मा सेक्टर के स्टॉक के बारे में, जहां हम सबसे पहले बात करेंगे जिन स्टॉक में फ्राइडे के दिन सबसे ज्यादा पॉजिटिव अपट्रेंड देखने को मिला है फार्मा सेक्टर के, जैसे कि लॉरेंस लैब, स्टार, केडिला हेल्थ केयर, औरोबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क, ये सभी स्टॉक के बारे में डिटेल में जानेंगे। और उसके बाद में जिन स्टॉक का फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा वेटेज है, जैसे कि सन फार्मा जिसका 24% का वेटेज है, डॉक्टर रेडी का 17% का वेटेज है, सिप्ला, डिविज लैब, ब्लूप्रिंट, पिरामिड, ये सभी स्टॉक के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले हम फार्मा सेक्टर की एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की न्यूज और स्टॉक्स की एनालिसिस करके मैं आपके लिए लेके आता रहूं। और साथ ही दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड सभी न्यूज हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जैसा कि दोस्तों फार्मा सेक्टर ने यहाँ से एक रिवर्सल दिखाया है वीकली पर, और फार्मा सेक्टर में नीचे जो सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 12,530 की प्राइस पर, और अभी फार्मा सेक्टर चल रहा है 12,983, यानी कि 12,800 से फार्मा सेक्टर में हमें एक रिवर्सल देखने को मिला है। दोस्तों हो सकता है ये टेम्पररी रिवर्सल है, इसके बाद में हमें फार्मा सेक्टर में और डाउन ट्रेंड देखने को मिले, क्योंकि जब तक फार्मा सेक्टर 13,150 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा तब तक हमें फार्मा सेक्टर में और फार्मा सेक्टर के स्टॉक में ऊपर की तरफ बड़े टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। अभी बजट नहीं आता तब तक हो सकता है कि हमें और डाउन ट्रेंड देखने को मिले फार्मा सेक्टर में। अगर आप किसी भी स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप बजट आने के बाद ही किसी भी स्टॉक में एंट्री ले, तब तक के लिए आप ट्रेडिंग तो बिल्कुल अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। अब हम बात करेंगे लॉरेंस लैब की। जैसा कि दोस्तों लॉरेंस लैब में हमें काफी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला था फ्राइडे के दिन, लॉरेंस लैब के स्टॉक में हमें फ्राइडे के दिन 7% का पॉजिटिव अपट्रेंड देखने को मिला था, इसलिए सबसे पहले हम लॉरेंस लैब की बात करेंगे। दोस्तों लॉरेंस लैब स्टॉक की प्राइस चल रही है 499, और इस स्टॉक ने वीकली पर एक रिवर्सल दिखाया है। 450 की प्राइस के नीचे अगर लॉरेंस लैब इस फ्राइडे को अगर क्लोजिंग दे देता तो दोस्तों हमें इस स्टॉक में नीचे की तरफ 400 के भी टारगेट देखने को मिल सकते थे, लेकिन इस स्टॉक ने यानी कि लॉरेंस लैब ने वॉल्यूम के साथ एक अच्छा रिवर्सल दिखाया है, तो यहां से हमें लॉरेंस लैब के स्टॉक में ऊपर की तरफ और थोड़ा सा अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। ज्यादा अपट्रेंड देखने को मुश्किल ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी फार्मा सेक्टर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और फार्मा सेक्टर के जो भी बड़े बड़े स्टॉक है, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन, कैडिला हेल्थ केयर, औरोबिंदो फार्मा, ये सभी स्टॉक में ऑलरेडी डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और सेक्टर के बारे में बता दिया आपको एनालिसिस करके कि हमें इस टाइम भी निफ्टी फार्मा में और डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। दोस्तों लॉरेंस लैब में क्यों ज्यादा अपट्रेंड देखने को क्यों नहीं मिल सकता, ये मैं आपको रीजन बता देता हूं, क्योंकि लॉरेंस लैब में ऊपर की तरफ 550 की प्राइस पर एक बड़ा रेसिस्टेंस बना हुआ है। जब तक लॉरेंस लैब 550 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हमें लॉरेंस लैब के स्टॉक में ऊपर की तरफ बड़े टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम सेकंड स्टॉक के बारे में जान लेते हैं, जो है स्टार। दोस्तों इस स्टॉक में कंटिन्यू में बहुत ही ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिल चुका है। वीकली पर अगर आप काउंट करके चलेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस स्टॉक में हमें ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा का डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। कंटिन्यू ये वीकली पर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और अभी इस स्टॉक ने भी वीकली पर एक रिवर्सल दिखाया है जो आपके सामने है। आप देख सकते हैं एक छोटा सा हैमर जैसा बना हुआ है वीकली पर। दोस्तों हमें इस स्टॉक में ऊपर की तरफ और रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और इस स्टॉक में छोटी छोटी जगहों पर रेसिस्टेंस बने हुए हैं, जैसे कि 471 की प्राइस पर, फिर ऊपर 650 की प्राइस पर, छोटी छोटी जगह पर इसमें रेसिस्टेंस बने हुए हैं, और यहाँ पर फिर से 550 की प्राइस पर। इसलिए दोस्तों इस स्टॉक में हमें ऊपर की तरफ बहुत ही कम बड़ा अपट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी जो इतने डिस्काउंट पे मिल रहा है, 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो दोस्तों आप इस स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस स्टॉक में, तो दोस्तों आप है ना 490 का SL मेंटेन करके इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं।
क्योंकि यहां से हमें मंथली पर भी स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिल चुका है, तो यहां से हमें इस स्टॉक में और अप ट्रेंड देखने को मिलना चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो है कैडिला हेल्थ केयर। दोस्तों कैडिला हेल्थ केयर स्टॉक में भी हमें कंटिन्यू वीकली पर डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जैसा कि ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि हमें फार्मा सेक्टर के सभी स्टॉक में बहुत ही ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो ऑलरेडी कैडिला में भी हमें 43 का डाउन ट्रेंड देखने को मिला हुआ है। दोस्तों कैडिला इसमें हमें नीचे की तरफ 350 इस प्राइस से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अभी और डाउन ट्रेंड आ सकता है, उसका रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि कैडिला हेल्थ केयर ने 400 के नीचे वीकली पर क्लोजिंग दी है। जब तक कैडिला हेल्थ केयर 400 के ऊपर वीकली पर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हमें इस स्टॉक में ऊपर की तरफ और बड़े टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। ऊपर की तरफ कैडिला हेल्थ केयर में जो बड़ा रेसिस्टेंस था 500 का, उसके ऊपर कैडिला ने एक भी दिन वीकली पर क्लोजिंग नहीं दी थी और उसके बाद में हमें कैडिला के स्टॉक में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। अभी कैडिला और कितना डाउन आ सकता है, 356 और 360 की प्राइस तक और डाउन आ सकता है कैडिला हेल्थ केयर का स्टॉक। दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि टेम्परेरी अप ट्रेंड हो सकता है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानेंगे जो है सन फार्मा। दोस्तों सन फार्मा का फार्मा सेक्टर में 24.09% का वेटेज है, जो एक सबसे ज्यादा वेटेज है सन फार्मा का, और सन फार्मा में हमें कंटिन्यू 3 डेज से एक अच्छा पॉजिटिव अपट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी स्टॉक से, जितने भी फार्मा सेक्टर के स्टॉक है उन स्टॉक से, दोस्तों जो सबसे कम हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला है वो मिला है सन फार्मा में। आप देख सकते हैं कि सन फार्मा के स्टॉक में हमें डाउन ट्रेंड देखने को ही नहीं मिला, इतना ऑलरेडी इसी रेंज में चल रहा है सन फार्मा का स्टॉक। जैसे ही सन फार्मा का स्टॉक 890 ब्रेक करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो दोस्तों हमें इस स्टॉक में ऊपर की तरफ और बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आपने अगर लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो दोस्तों आप 730 का SL कंपलसरी मेंटेन करके चल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जान लेते हैं जो है डॉक्टर रेड्डी। दोस्तों डॉक्टर रेड्डी का फार्मा सेक्टर में 17% का वेटेज है। दोस्तों इस स्टॉक में भी हमें कंटिन्यू डाउन ट्रेंड देखने को मिला है और ये सेम ही रेंज में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि काफी टाइम से, यानी कि 2020 सितंबर अक्टूबर से स्टॉक इसी रेंज में घूम रहा है। ना ही ये 5600 के ऊपर गया है और ना ही ये 4100 के नीचे गया, यानी कि सिर्फ इसी रेंज में घूम रहा है। और फिर से ये स्टॉक अपनी नीचे की रेंज के पास आ चुका है, यानी कि अपने सपोर्ट के पास आ चुका है, जहां से इसने कई बार रिवर्सल दिखाया है, 1, 2 और छोटा सा 3 और 4, यहां से इसने कई बार रिवर्सल भी दिखाया है। तो दोस्तों फिर से हमें डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक में यहीं से फिर से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अभी डॉक्टर रेड्डी की प्राइस चल रही है 4218 और जो सपोर्ट है वो है 4100 के पास, यानी कि 100 पॉइंट का SL मेंटेन करके आप इस स्टॉक में भी एंट्री ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिप्ला की। जैसा कि दोस्तों सिप्ला भी इसी रेंज में है, आप अगर आप टाइम कैलकुलेट करेंगे 2021 अप्रैल से सिप्ला सिर्फ इसी रेंज में घूम रहा है, ना ही ये 1000 के ऊपर क्लोजिंग देता है और ना ही ये स्टॉक 8050 के नीचे क्लोजिंग देता है, यानी कि सिर्फ ये 150 से 200 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है। अभी फिर से हमें सिप्ला में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू लास्ट 4 to 5 डे से कंटिन्यू हमें सिप्ला के स्टॉक में ऊपर की तरफ अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। जैसे ही सिप्ला 1010 के ऊपर क्लोजिंग देता है वीकली पर या डेली पर, उसके बाद में हमें सिप्ला के स्टॉक में ऊपर की तरफ 1200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मैं 1200 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो रेंज है सिप्ला की वो इस टाइम पर इतनी ही बनी हुई है। अगर सिप्ला ब्रेक भी करता है 1000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हमें सिप्ला के स्टॉक में सिर्फ 1150 या फिर 1200 के ही टारगेट देखने को मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो है डिवीज लैब। दोस्तों डिवीज लैब में भी हमें बहुत ही ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिल चुका है। 5300 से हमें स्टॉक में ऑलमोस्ट 27% का डाउन ट्रेंड देखने को मिला है और डिवीज लैब ने भी अपने वीकली पर एक रिवर्सल दिखाया है। दोस्तों हो सकता है कि डिवीज लैब यहां से और अप ट्रेंड दिखाए, क्योंकि वीकली पर डिवीज लैब ने अपने सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर डिवीज लैब इस प्राइस के नीचे क्लोजिंग देता, 3950 के नीचे क्लोजिंग देता, दोस्तों हमें डिवीज लैब के स्टॉक में नीचे की तरफ और डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता था। आप इस स्टॉक में 50 रुपए का SL मेंटेन करके इस स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानेंगे जो है लूपिन। दोस्तों लूपिन भी सिर्फ इसी रेंज में घूम रहा है 990 और 850, यानी कि 150 पॉइंट के रेंज में ये भी घूम रहा है। जैसे ही लूपिन 1000 के ऊपर क्लोजिंग देगा, उसके बाद में हमें इस स्टॉक में ऊपर की तरफ 1050 के टारगेट और 1060-70 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 1070 की प्राइस पर फिर से हमें लूपिन के स्टॉक में एक रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और इसमें जो सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 850 का, जिसने कई बार ब्रेक नहीं किया है। कई बार इसी प्राइस से लूपिन ने रिवर्सल भी दिखाया है, फिर से यहीं से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।